Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand Nursing File. Today in this video we learn about the important nursing care plan that is caesarean section. This is very important nursing care plan in midwifery and obstetrical nursing, and this nursing care plan comes various time in examination. So aap video ke through yahan par nursing care plan ko learn kar sakte ho. Isme hum different nursing process step jo नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूएशन के थ्रू या नर्सिंग केयर प्लान को बनाएंगे. तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लर्न कीजिएगा. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन सीजेरियन सेक्शन या नर्सिंग केयर प्लान ऑन एलएससीएस लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन. ये सीजेरियन सेक्शन से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले सीजेरियन सेक्शन का. एयर सीजेरियन बर्थ आल्सो टर्म सीजेरियन सेक्शन में सीजेरियन सेक्शन का दूसरा नाम सीजेरियन बर्थ भी हम बोल सकते हैं. इज द डिलीवरी ऑफ न्यूनेट बाय द सर्जिकल इंसिजन थ्रू द एब्डोमन एंड यूट्रस. इसमें जो न्यूनेट है उसका डिलीवरी हम एब्डोमन या यूट्रस से थ्रू सर्जिकल इस बच्चे को इसका डिलीवरी कराते हैं. सीजेरियन सेक्शन ऑल्सो नोन एज सी सेक्शन सीजेरियन डिलीवरी इज द सर्जिकल प्रोसीजर बाय विच वन और मोर बेबीज आर डिलीवर्ड थ्रू एन इंसिजन इन द मदर्स एब्डोमन ऑफन परफॉर्म बिकॉज वेजिनल डिलीवरी बट पुट द बेबी और मदर एट रिस्क. एयर लोअर यूट्राइन सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन एल एस सी एस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सीजेरियन सेक्शन. Here, LSCS is the most commonly used caesarean section technique. Here, next, here हमारा जो मुख्य टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान वो देखते हैं. यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान फॉर सीजेरियन सेक्शन सीजेरियन बताया LSCS में फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान. एयर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज करेंगे यहाँ पर. नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल इंटरवेंशन, रेशनल एंड एवेल्यूशन जो हमने यहाँ पर केयर प्लान की लास्ट में दिया हुआ है. तो फर्स्ट देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. ये क्लाइंट वर्बलाइज अबाउट द डिस्कम्फर्ट एंड पेन. ऑब्जेक्टिव डाटा है असेस लोकेशन, करेक्टरिस्टिक्स, फ्रिक्वेंसी, सीवियरिटी, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन. नेक्स्ट गार्डिंग, डिस्ट्रैक्शन, बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, क्राइंग, शाउटिंग, रेस्टलेसनेस, फेशियल मास्क ऑफ पेन, टेकिकार्डिया, टेकेपनिया, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस. एयर डायग्नोसिस है अक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल ट्रॉमा. ये डायग्नोसिस है. इसका यहाँ गोल होगा टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट. इसके लिए जो हम इंटरवेंशन एंड रेशनल यूज करेंगे देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन मॉनिटर द क्लाइंट्स वाइटल साइन. इसका रेशनल होगा नोट फॉर साइन ऑफ टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन. नंबर सेकंड इंटरवेंशन असेस द पेन. पेन असेसमेंट टूल प्रोवाइड बेसलाइन इंफॉर्मेशन फॉर द इंटरवेंशंस. नंबर थर्ड इंटरवेंशन एनकरेज द क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग अबाउट द पेन. एयर रेशनल होगा अलाउ द क्लाइंट टू वर्बलाइज हर परसेप्शन अबाउट पेन एंड एक्नोलेज द पेन एक्सपीरियंसेस. नंबर फोर्थ इंटरवेंशन टीज द टीच एंड डेमोस्ट्रेट प्रॉपर रिलैक्सेशन टेक्निक्स पोजिशन फॉर कम्फर्ट एज पॉसिबल. हियर रेशनल होगा रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, मसाज एक्सेट्रा कैन हेल्प डिक्रीज एंजाइटी एंड टेंशन, प्रमोट प्रमोट कम्फर्ट एंड सेंस ऑफ वेलबींग. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं एनकरेज एडिक्वेट रेस्ट पीरियड आफ्टर सीजेरियन बर्थ. ये रेशनल होगा आफ्टर सीजेरियन बर्थ द क्लाइंट नीड टू रेस्ट एडिक्वेटली टू प्रिवेंट फटिग एंड रिकवर अप्रोप्रिएटली बिफोर एज्यूमिंग द न्यू रोल ऑफ बींग ए मदर. नंबर सिक्स इंटरवेंशन प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू मदर. ये रेशनल होगा हेल्प इन रिकवरी एंड रिड्यूस पोस्ट पार्टम पेन. नंबर सेवन इंटरवेंशन एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब. एयर रेशनल रिड्यूस पेन कैन बी डन बाई गिविंग ओरल सिस्टमेटिक एनाल्जेसिक्स. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट एयर द
revolution step. Now your evolution is, now pain is relieved and mother feel comfort. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड. नर्सिंग केयर प्लान सेकंड देखते हैं यहाँ पर. सेम असेसमेंट डायग्नोसिस गोल नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल एंड एवेल्यूशन स्टेप हम यहाँ यूज़ करेंगे. फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस या रिस्क डायग्नोसिस इज नॉट एविडेंस्ड बाई साइन एंड सिम्टम्स एयर. Objective data, assess vital sign, assess sign of infection, assess amniotic fluid, drainage for color, clarity and odor. Observe for localized sign of infection at the surgical incision site. In nursing diagnosis, risk for infection related to surgical pressure and excessive bleeding. तो यहाँ assessment में हमको subjective data में not applicable लिखना है क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई डायग्नोसिस प्रेजेंट नहीं है. पर डायग्नोसिस का रिस्क है, मीन्स यहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क है इसलिए हमने केवल यहाँ पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन लिखा है. मीन्स यहाँ अभी तक कोई भी इन्फेक्शन का साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, मीन्स इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं. फर्स्ट प्रोवाइड पेरिनल केयर टू मदर एयर रेशनल होगा. फर्स्ट रेशनल डिक्रीज रिस्क फॉर रिस्क ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन. नंबर सेकंड असिस्ट द क्लाइंट इन मेंटेनिंग गुड पेरिनियल हाइजीन. यहाँ पर रेशनल होगा गुड हाइजीन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इनटू द बर्थ कैनल. नंबर थर्ड इंटरवेंशन स्ट्रिक्टली एडेप्ट टू द प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन. यहाँ पर रेशनल होगा डिक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कंटामिनेंट्स एंटरिंग द ऑपरेटिव साइड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ प्री ऑपरेटिव इन्फेक्शन. नंबर फोर्थ देखते हैं रिकॉर्ड हीमोग्लोबिन एंड हीमोटोक्रिट एंड एस्टिमेटेड ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर. रेशनल होगा द रिस्क ऑफ पोस्ट डिलीवरी इन्फेक्शन एंड पुअर हीलिंग इंक्रीजेज इफ हीमोग्लोबिन लेवल आर लो एंड ब्लड लॉस इज एक्सेसिव. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं स्ट्रेस प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक बाई ऑल केयर गिवर बिटवीन द थेरेपीज क्लाइंट. ये रेशनल होगा हैंड वॉशिंग इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. नंबर सिक्स इंटरवेंशन एयर मेंटेन स्टाइल टेक्निक फॉर इन्वेसिव प्रोसीजर. से रेशनल होगा यूजिंग स्टाइल टेक्निक ऑन इन्वेसिव प्रोसीजर एग्जाम्पल IV स्टार्ट यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक्सेट्रा रिड्यूस द माइक्रोबियल काउंट एंड क्रिएट ए स्टाइल फील्ड दैट हेल प्रिवेंट इन्फेक्शन. नंबर सेवन इंटरवेंशन एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर सीजरियन बर्थ. ए रेशनल होगा अर्ली मोबिलाइजेशन हेल्प इन रैपिड रिटर्न ऑफ बबल फंक्शन एंड बोन डीलिंग. नंबर एट इंटरवेंशन ऑप्टेन ब्लड वेजाइनल एंड प्लेसेंटल कल्चर एज इंडिकेटेड. रेशनल होगा टू हेल्प डिटरमाइन द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट. नंबर नाइन इंटरवेंशन एयर एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब. रेशनल होगा ए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक में बी रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट द development of an infectious process or as a treatment for an identified infection. After providing these interventions, we write here the evaluation step of second nursing care plan. Here evaluation is now risk for infection reduced. Next exam nursing care plan number third. यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल एंड एवेल्यूशन हम स्टेप यूज़ करेंगे. फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस. ए रिस्क डायग्नोसिस इज नॉट एविडेंस्ड बाय द साइन एंड सिम्टम. ऑब्जेक्टिव डाटा एयर असेस वाइटल साइन असेस द क्लाइंट्स इनटेक एंड आउटपुट. नर्सिंग डायग्नोसिस ए रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सर्जरी. गोल होगा टू मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम. इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन असेस वाइटल साइन एंड इनटेक एंड आउटपुट. एयर रेशनल होगा प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर द इंटरवेंशन. नंबर सेकंड एनकरेज द क्लाइंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एज इंडिकेटेड. एयर रेशनल टू रिप्लेनिश फ्लूइड लॉस. नंबर थर्ड इंटरवेंशन एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बाय मास्क एज इंडिकेटेड. एयर रेशनल होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द मैटरनल एंड फीटल अपटेक. फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं एडमिनिस्टर IV फ्लूड्स विद और विदाउट ऑक्सीटोसिन एज इंडिकेटेड. रेशनल होगा फ्लूड्स फॉर मेंटेन फ्लूड लॉस
Oxytocin aids myometrium contraction and reduce blood loss from exposed endometrial blood vessels. Number 5th interventions. Administer blood and blood products as indicated. Registration loga. Blood transfusion in postpartum hemorrhage is that the client receive RBCs as soon as possible in the case of massive hemorrhage. After providing these interventions, we write here the evaluation step. Your evaluation is now adequate fluid volume maintained. Next, the number 4 care plan. Here, nursing assessment. Subjective data. The client and her partner verbalize fear for safety of herself and the infant. Your objective data. Apprehension, distress, feeling of inadequacy, increased tension and restlessness. Next, nursing diagnosis. Fear and anxiety may be related to the perceived actual threat of maternal and fetal well-being. Her goal is to reduce fear and anxiety. Intervention rational. First intervention. Assess the psychological status of the patient and partner rational to provide psychological support to couple. Number 2nd intervention. Note and validate expression of fear, distress or feeling of helplessness. Irrational loga. Validation helps the nurse and the client deal realistically with the fear. Number 3rd intervention. Remain with the client and stay calm, speak slowly and convey empathy. Irrational loga. Therapeutic communication help to reduce anxiety and fear. Number 4th intervention. Reinforce positive aspect of maternal fetal condition. Irrational loga. It focuses on the likelihood of a desirable outcome and helps bring perceived or actual threat into the perspective. Number 5th intervention. Let the client or couple verbalize their inner thoughts and feelings. Irrational loga. Help to distinguish negative feelings and concern and provide a change to cope with the uncertain or unresolved feeling of grief. Number 6th intervention, guide the client through preoperative nursing care. Help to reduce the client's anxiety, heart rate, respiratory rate, and blood pressure. After providing these interventions, we write here the evaluation step of this care plan. Here, evaluation is now fear and anxiety reduced. Next, the nursing care plan number 5th. In nursing assessment, diagnosis, goal, intervention, rational. First, nursing assessment में subjective data. Here couple request for information about cesarean section. Here objective data here. Assess the clients or couple level of understanding. Nursing diagnosis here. Deficient knowledge may be related to lack of exposure and unfamiliarity with the condition and information resources. Goal होगा to improve level of knowledge. Nursing intervention and rational देखते हैं. First intervention, educate couple about cesarean section, its risk, benefit, etc. Here rational होगा to provide complete knowledge about the cesarean section. Number 2nd, encourage the couple to ask question and verbalize their understanding of the cesarean section. Here provide an opportunity to assess the evaluate the clients or couple understanding of the situation. Number 3rd, explain preoperative procedures in the advance and present rational as appropriate. Irrational loga. Explanation of the logical response why a particular choice was made is vital in the preparation for the procedure. Number 4th interventions, educate the client preoperatively and reinforce learning postoperatively, including demonstration of the leg exercise, proper cuffing, deep breathing technique, incentive spirometry, splinting and abdominal tightening exercise. Rational loga number 4th rational, provide preoperative education to prevent complications associated with the venous stasis and hypostatic pneumonia and lesion stress on the operative site. Number 5th intervention, dekhte hain, discuss and develop a post-operative pain management plan and review the use of pain scale. Irrational loga, developing a pain management plan with the client increase the likelihood of the successful pain management.
नंबर सिक्स इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड टर्म एंड क्लेरिफाई मिसकंसेप्शन। ये रेशनल होगा द स्ट्रेस ऑफ द सिचुएशन कैन अफेक्ट द क्लाइंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप। नाउ एयर एवेल्यूशन इज कपल्स लेवल ऑफ नॉलेज इम्प्रूव। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन सीजीरियन सेक्शन या एलएससीएस लोअर सेगमेंट सीजीरियन सेक्शन या सीजीरियन डिलीवरी या सीजीरियन बर्थ। तो यहाँ पर हमने वीडियो में एक बहुत सिंपल इजी नर्सिंग केयर प्लान आपके लिए तैयार किया था और आपने देखा होगा इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हो और इसका आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन के लिए और फॉर द प्रैक्टिकल वर्क। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel here on a nursing pile preparation for the nursing competition examination and various nursing subject notes syllabus and questions paper of previous years important questions। तो friends please subscribe my YouTube channel and press bell icon जिससे कि आपके पास सारे videos समय समय पर पहुँचते रहें। थैंक यू।